इससे पहले मैंने आप लोगों को ए भावे साउंड वर्ड और स्टोरी बताया और आज हम लोग ई भावे साउंड वर्ड्स पढ़ेंगे। ई का फोनिक साउंड क्या होता है? ए। ई से ए। ई से ए। एबाकडा जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो एबाकडा ए। ए। ई से ए। E says. Tell me, Priyadarshini, E का sound क्या होगा? What is the sound of E? A. E is A. A. क्या होगा? बोलिए. E. A. Yes. Very good. Now, take out your mindless book and open page number 16 and 17 and also I am sharing the screen. You can look at the screen and look carefully at the screen. आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखोगे बेटा, मैं आज आप लोगों को ई वॉवेल स्टोरी मीन्स ए वॉवेल स्टोरी बताने जा रही हूँ। For this, you have to learn many E vowel sound word. In this page number 16, yes. बोलिए बेटा। क्या बेटा? आप सही से दिख नहीं रही है। अब मैं दिख रही हूँ। नहीं। नहीं दिख रही हूँ। आप देखिए नहीं।, नहीं तो थोड़ा सा नेटवर्क आपका प्रॉब्लम होगा। प्रियदर्शनी मैम दिख रही है आपको? यस मैम। बेटा आप नेटवर्क से थोड़ा चेक करवाइए मम्मा से अपनी, ये सही है ना, क्योंकि मैम दिख रही है। ओके मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो ऑन कीजिए। Yes, students, in E vowel sound story, you can see many words of E vowel sound. आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ है E vowel sound words sound से, और मैं आप लोगों को एक एक करके प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, आपको भी करना होगा। ओके यू हैव टू pronunciate it also. First, W-E-B, web. W-E-B, web. W-E-B. Web. 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 Web means मकड़ी का जाल. Okay? Next, B-E-B, bed. B-E-B, bed. B-E-B. B-E-B, bed. Bed means bistar. Bed means bistar. Next, P-E-N, pen. P-E-N, pen. बोलिए R-E-D, red. P-E-N, pen. बोलना है, बोलिए व ए ब वेब, बोलिए व ए ब वेब,
The red. बोलिए बेटा वेरी गुड And the last one, very nice. Well done, students. So, students, in this space, you have learned a lot of E vowel sound words. Now I am going to tell you a story. Okay. अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ. सारे बच्चे मैम क्या बोलती है? When ma'am will tell you something, you have to watch it carefully and listen carefully. You have to watch your ma'am carefully. मैम बेटा आप लोगों को क्या बताती है? जब भी मैम आप लोगों को समझाती है या कुछ बताती हैं तो आपको मैम को ध्यान से देखना है. बोली है ना मैम? मैम बोली है या नहीं बोली है? यस मैम. और मैम की बातों को अपने ईयर से ध्यान से सुनना भी है. इसलिए सारे बच्चे मैम को देखेंगे, बुक को देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे. मैं आप लोगों से पूछूंगी. बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी और बहुत छोटी स्टोरी है. आप सारे बच्चे ध्यान से देखिए. हियर इज अ लिटिल गर्ल. यू कैन सी इन योर बुक दैट हियर इज अ लिटिल गर्ल एंड व्हाट सी हैज डन. सी हैज हर्ट हर लेग. लेग. यस. ये एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पैर में चोट लगा ली है. ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली. पैर में चोट लगा ली है एंड हेयर ई वॉवेल साउंड वर्ड ल ए ग लेग. एल ई जी लेग. ये छोटी बच्ची क्या की है? अपने पैर में चोट लगा ली है. सी इज लाइंग ऑन द बेड. When she has hurt her leg, then she is lying on the bed. जब उसके पैर में चोट लग गया तो वह बिस्तर पर लेटी हुई है. She is lying on the. कहाँ लेटी है बच्ची? Bed. Very good. Her pet dog. इसका देखिए pet dog है. Is sitting under the bed. जिस बेड पर ये बच्ची लेटी हुई है उस बेड के अंदर उसका जो पेट डॉग है, जिस डॉग को यह पाली है, पालतू डॉग है, वह बैठा हुआ है इसके अंदर, है ना? And she is wearing a red cap. और ये बच्ची जो है ना बेटा, देखिए रेड कलर का कैप भी पहनी है. ये जो है देखिए रेड कलर का कैप पहनी है ना. She is wearing a red cap. She is looking out of the window. देखिए यहाँ विंडो है. ये बेड पर बैठी है और इसके रूम में जो विंडो है वह उससे बाहर देख रही है. What she found? क्या उसने देखा? She sees a वह देख रही है अपने विंडो से बाहर कि आसमान में जेट है ना. एंड सी स्टार्ट्स ड्राइंग अ जेट ऑन द पेपर. ये जेट को देखती है और अपने पेन से विद द हेल्प ऑफ पेन सी स्टार्ट्स ड्राइंग जेट.
या जेट बनाना शुरू कर देती है। देख रहे हो ना बेटा, हाँ, जब वह जेट को देखती है तो वह पेन से पेपर पर जेट बनाना शुरू कर देती है। अगेन सी सीज अ वेब, देखिए फिर उसका ध्यान कहाँ जाता है, एक वेब पे ऑन द वॉल, यहाँ जो इसका वॉल है, दीवार है रूम में, वहां इसे दिख रहा है वेब। वेब मीन्स होता है मकड़ी का जाल, तो वह मकड़ी का जाल देखती है। सी टेल्स हर हैंड, सी टेल्स हर हैंड टू गेट अ नेट, यह भी इसका पेट है, यह हेन को भी पाली हुई है, तो वह अपने हेन को कहती है कि जाओ जाकर एक नेट ले आओ, नेट ले आने के लिए। सी सेज हर हेन टू गेट अ नेट, सी लुक्स एट द कैलेंडर, वह फिर कहाँ देखती है बेटा, कैलेंडर पर देखती है। ये देखिए मेरे में कट चुका है, आपके बुक में अच्छा से दिख रहा होगा, यहाँ कैलेंडर है। एंड सी लुक्स एट द कैलेंडर, इट इज 10th जुलाई टुडे, आप लोगों के बुक में देख रहा होगा कि आज 10th, उसके कैलेंडर में 10th जुलाई दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। यस, सी अ स्माइल, हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। Why? क्यों बेटा, वह जब कैलेंडर में देखती है, it's 10th July, then she smiles. Why? Because on next day it's her birthday. आज 10th July है, कल 11th July होगा, तो वह स्माइल की क्योंकि कल उसका आने वाला है। क्या क्या आने वाला है, जल्दी बताइए क्या आने वाला है उसका, वो क्यों स्माइल की, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका बर्थडे आने वाला है। क्या आने वाला है, बर्थडे, क्या आने वाला है, बर्थडे। यस, जब आप लोगों का भी बर्थडे आता है तो आप लोग स्माइल करते हो ना, आप लोग हैप्पी रहते हो ना, जब आप जान जाते हो कि नेक्स्ट वीक में 15 डेज में हमारा बर्थडे आने वाला होता है, तो आप लोग भी स्माइल करते हो ना, खुश होते हो ना, आप लोग को बर्थडे आने वाला है, स्कूल जाऊंगा, चॉकलेट्स लेकर जाऊंगा, है ना, सारे फ्रेंड्स मुझे विश करेंगे, सोचते हो ना ऐसा, ऐसा सोचकर आप भी खुश होते हो, मैम मुझे विश करेगी, घर में मम्मा पापा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मैं केक कट करूंगा, तो आप लोग खुश होते हो ना सोच सोच कर। इसीलिए वह जो बच्ची है, छोटी लिटिल गर्ल है, वह भी खुश हो गई, क्यों, एक तो उसने अपना लेग को हर्ट कर रखा था, वह बेचारी कहीं खेलते खेलते गिर गई होगी, तो वह बेचारी उससे सैड थी, लेकिन जब वह कैलेंडर देखती है तो उसे अपना बर्थडे नेक्स्ट डे समझ में आता है, तो वह हैप्पी हो जाती है। तो ये बेटा आप लोगों ने जो ई वॉवेल साउंड स्टोरी का साउंड स्टोरी पढ़ा, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को समझ में आया, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। मैं अगेन जिनका छूट गया मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हेयर इन दिस स्टोरी, हेयर इज अ लिटिल गर्ल, इस स्टोरी में छोटी बच्ची होती है, सी हैज हर्ट हर लेग, वह क्या होता है, खेलने से या किसी चीज से। बेटा स्टोरी को अच्छे से, मैं मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। व्हाट सी हैज डन, सी हैज हर्ट हर लेग, लेग मींस ई वॉवेल साउंड वर्ड, लेग द लेग, एंड शी इज लाइंग ऑन हर बेड, वह कहाँ लेटी है, अपने बेड पर, उसका बेड है, उस पे लेटी है, बी ई डी बेड, अगेन ई वॉवेल साउंड वर्ड, हर पेट डॉग, उसका जो पेट डॉग पालतू डॉग है, इज सिटिंग अंडर द बेड,
जिस बेड पर वह लेटी है उस बेड के नीचे उसका जो पेट डॉग है वह बैठा हुआ। ओके सी सी इज आउट ऑफ द विंडो। आपके भी रूम में विंडो होगा ना, तो वह अपने रूम के यस अपने रूम के विंडो से वह जब बाहर देखती है तो व्हाट सी फाउंड, सी सीज अ जेड इन द स्काई। वह देखती है कि जेड उड़ रहा है स्काई में। व्हाट सी डू, वह बेचारी तो बेड पर है ही चोट लगा है। सी टेक आउट अ पेपर एंड अ पेन। वह एक पेन निकालती है, पेपर निकालती है एंड स्टार्ट जेट। वह जेट बनाना शुरू कर देती है, ठीक है ना, मल लगाना है शुरू कर देती है। अगेन सी सॉ अ वेव ऑन द बॉल। आप मकड़ी का जाल घर के कॉर्नर में बहुत होता है, दीवारों में कॉर्नर में ज्यादा जो स्पाइडर होते हैं ना, स्पाइडर अपने जाल लगाते हैं, वेब जिसको कहते हैं। तो वह देखी कि जाल लगा है। व्हाट सी सेज टू हर पेट हेन, उसका एक पेट हेन के पेट डॉग तो था ही, एक हेन भी थी उसको। वह बोलती है सी टेल्स हर हेन टू गेट अ नेट। वह बोलती है नेट ले आने के लिए अपने चेन को। अगेन सी सेज ऑन द कैलेंडर, फिर उसकी नजर कैलेंडर घर में जिसमें डेट दिए रखते हैं, आप लोग के घर में भी कैलेंडर होगा। तो वह अचानक से उसकी नजर घर में लगे कैलेंडर पर पड़ती है। सी सॉ दैट इट्स 10th जुलाई, टुडे इज 10th जुलाई। वह देखती है कि आज 10th जुलाई है एंड सी स्माइल। वह स्माइल करती है, स्माइल लोग कैसे करते हैं, कैसे स्माइल करते हैं, मैम आवाज नहीं आ रही है। बाकी बच्चों आप अपना जगह सीट चेंज करो, दूसरी जगह जाकर बैठो। तो वह बच्ची जो है वह स्माइल करती है, क्यों, क्या सोच कर स्माइल करती है, जरा बता दो, बताओ बताओ बच्ची बताओ। आने वाले
ई वोवेल साउंड वर्ड्स। आप लोगों ने इस स्टोरी में बहुत सारे ई वोवेल साउंड वर्ड्स पढ़ लिया और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, है ना? Yes, student, tell me, all of you got the story, got the words or not? सारे बच्चों को स्टोरी समझ में आई? आप लोगों को वर्ड समझ में आया या नहीं आया? जल्दी मुझे बताइए, टेल मी। आप लेट से ज्वाइन की थी क्लास अदिति, और मैंने दोबारा भी स्टोरी बताया, मैं अभी दोबारा स्टोरी बताई थी ना। There was a girl who has hurt her leg and she is lying on the bed पर लेटी है, and she is wearing a red cap, वह एक red cap पहनी है, she looks, her pet dog is sitting under the bed, उसका जो pet dog है वह बेड के नीचे बैठा है, she looks out of the window, ध्यान से सुनिया दीपी, she looks out of the window, वह विंडो से बाहर देखती है, what she sees a jet, वह एक जेट को देखती है, so she takes out the paper and a pen and start drawing on the paper of jet, वह जेट का पिक्चर बनाना, ड्राइंग करना शुरू कर देती है ना? नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता, अगेन she sees on the wall that there is a web, वह अपने घर के दीवार में देखती है वहां एक वेब है, वेब मीन्स होता है मकड़ी का जाल, WEB वेब, मकड़ी का जाल लगा होता है, सी टेल्स हर हेन, उसके घर में जो एक मुर्गी है HEN हेन, उसे बोलती है व्हाट, टू गेट द नेट, नेट ले लेने के लिए, अगेन सी लुक्स एट द कैलेंडर, वह कैलेंडर में देखती है व्हाट्स द डेट टुडे, इट्स 10th जुलाई टुडे, वह देखती है कि टुडे इट्स 10th जुलाई, देन शी स्माइल, वह क्या होती है, खुश हो जाती है, व्हाई, बिकॉज ऑन द नेक्स्ट डे इट्स हर बर्थडे, क्योंकि 10th जुलाई के बाद हमारा 11th जुलाई आएगा और 11th जुलाई के दिन उस बच्ची का बर्थडे होता है, इसलिए उसके लेग में हर्ट भी था तो भी वह स्माइल की, खुश हो गई, हैप्पी हो गई। Aditi, tell me, got it or not? Story आपने सुना Aditi? Yes, ma'am. Yes. समझ में आया? Got it. Okay. Okay, students. Or any problem to you? बेटा, very good. So you have to learn e vowel sound words from these two pages. 16 or 17 pages में जो भी e vowel sound words हैं बेटा, आपको उसे अपनी English की notebook में लिखना है, and you have to learn it. It's your home assignment of online class. 16 और 17 पेज नंबर पे जो भी आपके ई वोवेल साउंड वर्ड्स हैं, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा, ओके? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, ओके, टेल मी एनी टू ई वोवेल साउंड वर्ड्स, एनी टू, सिर्फ दो बताइए। तुम्हें पता है बेटा, वेरी गुड अमन, टेल मी एनी टू ई वोवेल साउंड वर्ड्स, वेरी गुड, वेल डन आद्या, टेल मी एनी टू ई वोवेल साउंड वर्ड्स, आद्या, नो नो नो,
लेटर ई यू हैव टू टेल ई वॉवेल साउंड वर्ड. इराम टेल मी. यस मैम. टेल मी एनी टू ई वॉवेल साउंड वर्ड. मैम ए. वेरी गुड. Aditi, tell me any two E vowel sound words. Aditi. Pratyush. Pratyush, बोलिए ई वॉवेल साउंड वर्ड्स. मैम मुझे पता है. बोलिए. मेरे को बता दो. ई वॉवेल. बोलिए फलेना. जिनको आता है वो बोलिए. मैं. I am listening. आगे भारती. टेल मी. बोलिए बोलिए. आई एम लिसनिंग. मैं सुन रही हूँ. आप बोलो. नो व्हाट आई हैव टॉट यू. बोलो. सारे वर्ड्स पढ़ाए एंड व्हाट यू आर टेलिंग मी. I have taught you a lot of words of E vowel sound. That was leg, bed, hen, net, pet, web, zet, ten, pen, red. And you are speaking eyes and ears. No, it's wrong. So I have given you homework that you have to write these words in your notebook and remember it. Okay? Now time is over. Bye bye students. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.